तो गाइज यार आज की वीडियो में है मेरे पास एक टीवी और तीन दिवाली अनार। आप देख सकते हो मैंने एक प्लाई की मदद से तीन अनार दिवाली वाले अनार को इसमें अटैच कर दिया है और ये है एक टीवी। हम इसमें करने वाले हैं टेस्टिंग और हम इसमें ये देखने वाले हैं कि जो अनार है ये टीवी का जो स्क्रीन है इसको स्क्रैच कर पाता है या फिर नहीं। देखते हैं ये जो टीवी है इसका जो स्क्रीन है ये तीन अनार को झेल पाता है यानी उसके टेम्परेचर को झेल पाता है या नहीं झेल पाता है। तो चलो यार फटाफट से लगाते हैं इसमें आग और फिर देखते हैं कि क्या होता है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस यार आप देख सकते हो सब कुछ हो गया रेडी, अब इसमें बारी है आग लगाने की। तो चलो लगाते हैं इसमें फटाफट से आग और फिर देखते हैं कि क्या होता है, क्या ये स्क्रीन है वो टूट जाती है या फिर ये सर्वाइव कर पाती है। तो चलो फटाफट से लगाते हैं आग। भाई साहब आप अभी टीवी की हालत देखो जरा, टीवी की स्क्रीन उस टाइम कैसी थी और अभी कैसी है। और अभी आप देखो जैसे ही वो लाल हुई अभी शीशा जो है वो टूटा और अभी भी ये चटक रहा है, अभी भी इसमें से आवाज़ आ रही होगी आपको। आप देख सकते हो धीरे धीरे चट चट की अभी भी आवाज़ आ रही है और ये कभी भी टूट सकता है। तो यार देखते हैं कि क्या होता है। तो गाइस आप देखो अभी भी जो है वो टीवी में से अभी भी चट चट की आवाज़ आ रही है। अभी यहाँ पे एक अनार जो है बचा हुआ है, अभी यहाँ पे देख सकते हो ये जो अनार है अभी तक बचा हुआ है। और आप अभी टीवी की हालत देखो, टीवी में से अभी भी आवाज़ आ रही है चट चट की। तो यार आप लोग ऐसा बिल्कुल भी ट्राई मत करना क्योंकि ये खतरनाक भी साबित हो सकता है। तो आप लोग ऐसा घर पर बिल्कुल भी ट्राई मत करना क्योंकि ये खतरनाक भी हो सकता है यार। और टीवी थोड़ी गर्म हो चुकी है, अभी मैं इसकी स्क्रीन को टच नहीं करूंगा क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा गर्म होगी। तो यार जब हम टीवी के स्क्रीन के सामने दिवाली अनार को लगाते हैं तो उसका ये हाल होता है। तो यार आप लोग ऐसा ट्राई मत करना, वो हम पे छोड़ दो, हम है करने के लिए। अगर आपके पास भी अगर ऐसे कोई आइडियाज़ हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, मैं कोशिश करूँगा कि उसको पूरा करूँ। तो यार आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।